बचपन से ही आपने हॉरर कहानियाँ सुनी हो, कभी किसी भूत की, कभी किसी चुड़ैल की और कभी किसी डायन की। नाले बाकी कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है और बिल्कुल सच्ची घटना। 1990 के कर्नाटक के बेंगलोर के नजदीक मालेश्वरम और राजाजी नाम के गांव में इस चुड़ैल का बहुत ही ज्यादा हल्ला था। उस गांव के अलग अलग घरों में वह चुड़ैल रात को 12 बजे से 5 बजे तक के बीच में लोगों के घर का दरवाजा खटखटाता। तब घर के लोग पूछते थे कि कौन है, तो वह चुड़ैल घर वालों के पहचान वालों की आवाज में उनसे बात करती थी और घर वाले लोग दरवाजा खोल देते थे और उस चुड़ैल को देखकर डर जाते थे। इसके बाद वह चुड़ैल दरवाजा खोलने वालों को मार देती थी। यह सिलसिला वहाँ चल रहा था। एक बार एक घर के बाहर वह चुड़ैल उस घर वालों की आवाज लगाती है और घर के लोग उस चुड़ैल के बारे में जानकर डर जाते हैं और घर के लोग उस चुड़ैल को बोलते हैं नाले बा। नाले बा का मतलब होता है कल आना। वह चुड़ैल चली जाती है। तभी से उस गांव के लोगों ने अपने घर के बाहर नाले बा लिखवा दिया, लेकिन लोगों का यह कहना है कि वह चुड़ैल एक दुल्हन थी जो मर गई थी, इसीलिए वह रात को गांव में घूमकर अपने पति को घरों में खोजती थी और घर के मालिक को मार देती थी। 1990 के बाद 2007 में इसी तरह की घटनाएं फिर से उस गांव में होने लगी। ऐसा फिर से इसीलिए होने लगा क्योंकि कुछ घरों में नाले वाल लिखा हुआ मिट चुका था। इससे परेशान होकर लोगों ने नए दुल्हन से हाथों में मेहंदी लगवा कर उसके हाथों की छाप अपने घर के दरवाजे पर लगवाया। इसके बाद वह चुड़ैल आज तक उस गांव में किसी का नुकसान नहीं कर पाई। इसी नाले बाकी कहानी पर बॉलीवुड में ओ स्त्री कल आना मूवी भी बनी हुई है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप इस कहानी को सच मानते हो या बस एक अफवाह मानते हो? क्योंकि ऐसी बहुत सारी अफवाहें चोर और डाकू लोग गांव के लोगों को डराकर अपना काम आसान करवाने के लिए भी करते हैं। तो क्या यह कहानी भी उन्हीं अफवाहों में से एक है या आप इसे बिल्कुल सच मानते हो? कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।